मम्मी मम्मी वो नहीं है खुशी सीमा दीदी की लड़की, कमेंट में क्या लिख रही, भोलू था ना मेरी वीडियो में आज, क्या लिख रही, भोलू का ये तो ढोलू भैया आएगी। ये देखो गाइस, कल की तरह मुझे आज भी परेशान कर रहा है, क्या ही कर सकते हैं इसके लिए, तो रोज ही परेशान कर रहा है। हाय गाइस, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, आप सब ठीक होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ एंड मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश क्योंकि आज का प्लान बना है, वैसे तो बना था कल का प्लान वेडनेसडे का, लेकिन कल हम जा नहीं पाए क्योंकि मुझे कंप्यूटर पे बहुत सारा काम करना था, इस वजह से हमने प्लान टाल दिया, लेकिन आज जाना जरूरी है क्योंकि दुकान का सामान भी पूरा करना है, अगर दुकान का सामान पूरा नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। अब चलते हैं, फिर वहाँ जाके आपसे बात करेंगे। हम पहुँच गए ऋषिकेश, पहले यहाँ रुके धूप वाले की दुकान है, धूप होती अगर होती यहाँ ये सब मिलता है, आगे की दुकान भी यार। ये मास्क पहन के ना बिल्कुल मतलब बियर्ड खराब से होती है, मतलब अच्छे भी होते हैं वो खराब, क्या हिसाब है इसका, समझ नहीं आता, पहनने पड़ते हैं, बियर्ड खराब हो गया है। तो गए हम पहुँच गए दूसरी दुकान में, इस वाली में, और यहाँ से हम लेते हैं कॉस्मेटिक्स, चूड़ियाँ वूड़ियाँ ये सब वो सब हो जाता है इस दुकान से, बाकी आगे की दुकानें बाद में दिखेंगे थोड़ी देर बाद। जिस दुकान के दृश्य आपने देखा उस दुकान से हमने राखियाँ ली थी, अब इससे ज़्यादा राखियाँ तो देखी होंगी। ये है तीसरी दुकान, यहाँ पर हम आए हैं, आगे की दुकान बंद कर लेंगे। मम्मी ने ये पर्चे हेपिल भूल की दुकान पे, अभी वहाँ गए दूसरी दुकान पे तो देखा पर्चा ही नहीं है, वरना बहुत बुरा हाल था अगर ये पर्चा खो जाता तो, क्योंकि सामान हमें याद रहता नहीं, तब सामान याद रहता नहीं है तो सामान लेके कैसे जाते हैं, और फिर अगले दिन दोबारा आना पड़ता है, अंदाजे से लेके जाते हैं सामान लेकिन फिर अगले दिन दोबारा आना ही पड़ता है। सो शुक्र है मिल गया ये, वरना अगर नहीं मिलता तो बहुत दिक्कत आ सकती है। उन्हीं के यहाँ वो दूसरी वाली दुकान में, कॉस्मेटिक वाली दुकान में, आजकल कुछ ज़्यादा ही भूल रहे हो आप, कुछ ज़्यादा ही भूल रहे हो, कभी हेलमेट कभी कुछ कभी कुछ। तो गाइस एटलीस्ट मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर हूँ, यह है वो दुकान, ये लास्ट है, और इसके आगे एक और दुकान है, वो वाली शायद नहीं दिखेगी, बाद में दिखा दूँगा। और गाड़ी का सामान देखोगे कितना है, ये और पीछे वो लटका हुआ है, पीछे ये बैग लटका हुआ है, पीछे ये है, और आगे इतना है जो गाड़ी पे, पीछे मम्मी ने भी बैठना है, मम्मी ने भी सामान लेके पकड़ बैठना है, और भी अदर थिंग्स हैं जो आनी है, अभी दिखाता हूँ लास्ट वाली दुकान, या उसके बाद भी और दो चार दुकानें हैं। वैसे हम लगभग ऋषिकेश में जब आते हैं तो 11 से 12 दुकानों को घूमते हैं, और हर दुकान में लगभग आधा घंटा तो रहने पड़ते हैं सब लगाने, और ये है वो आखिरी दुकान, एंड वो भी है एक दुकान, वहाँ पर भी आते हैं, उसके आगे एक चप्पल वाली दुकान है। तो यार गाइस अभी हम पहुँच गए घर, और क्योंकि याद नहीं हुआ कितने बजे गया था, और पहुँच रहा हूँ फिट 2 बजे, मुझे याद आ गया मैं कितने बजे गया था, मैं लगभग 10 बजे गया था, तो लगभग 4 घंटे हमें वहाँ लग गए हैं, 5-6 दुकान ही गए थे, और 5-6 दुकान में 4 घंटे आराम से लगा के आ गए, दिक्कत की बात नहीं है, अभी सर दर्द हो रहा है, सोऊंगा थोड़ी देर, उसके बाद मिलते हैं। मम्मी चलो, गाइस क्या हवा चल रही है अभी इस टाइम पे, मतलब तूफान आ रहे के पूरे आसार हैं, ये मौसम सुबह नहीं हो सकता था क्या, मतलब मैं धूप में गया, धूप में आया, सारा काम धूप में हुआ, मेरे आपको मैं अभी भी नींद इसलिए है क्योंकि मैं अभी अभी सो के आया हूँ, सो के उठा खाना खाया और आ गया, क्या ही बताऊँ, करना पड़ता है कभी कभार ऐसा, कभी कभार क्या लगभग रोज ही ऐसा करना पड़ता है, उठो खाओ और आ जाओ, और मैं लगभग 2.5 घंटे के लिए
सो गया था बिल्कुल, और इतना अच्छी नींद आई है कि मेरे को पता नहीं चला कि कब 2.5 घंटे निकल गए। 2 बजे सोया, 4:30 बजे उठा और अभी 4:45 हो रहे हैं। तो गाइस आज मेरा प्लान था कि मैं आते ही नहा लेता, यानी ऋषिकेश से आता और नहाता, लेकिन फिर मुझे याद है कि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो ज़्यादा नहीं है कि मेरे को ज़्यादा बिल्कुल, सुबह से थोड़ी बहुत जुकाम हो रहा है। अगर ये जुकाम ठीक हो जाए तो मैं नहा लूँ। कल मैं नहाया था जुकाम होते हुए भी, मेरा जुकाम और बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ा है। अभी देखते क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सीन क्या क्या है। वैसे तो तुम्हारा भाई सब ठीक कर देगा, है ना। आ नहीं नहा रहा मैं आज, सिर्फ मैं मुंह धो के काम चला लूँगा। ये मत सोचने कि मैंने ब्रश भी नहीं करा, ब्रश सुबह ही कर लिया था इसलिए जाने से पहले मुंह भी धो लिया था, सारे काम कर लेता हूँ। हाइजीनिक है तुम्हारा भाई, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा ख़राब हो गया, तुम्हारा भाई पूरा हाइजीनिक है, सब कुछ रेडी रहता है पूरा, बस थोड़े से कपड़े अजीब से पहनते हैं, वो चीज़ तुम झेल लिया करो यार। वो इसलिए क्योंकि लोग बताएंगे ना कि आप कितने स्मार्ट हो। जिस दिन स्मार्टनेस की लेवल 100 पार कर दोगे ना, उस दिन लोग देखते रह जाएंगे। और लेकिन अगर तुम रोज़ ही 100 पार रहोगे, कहाँ देखने लायक रहोगे यार। एक डे होता है, एक अलग दिन होता है कि यार हाँ अभी बाल देखो मेरे, अभी तुम बाल कटने के बाद देख रहे हैं मेरे को, देखना जरूर। बाल और दाढ़ी कटने के बाद देख रहा, मिल जाओ इसलिए कम हो गई क्योंकि तुम्हें पता ही है सोने के बाद बंदों की आवाज़ कितनी कम हो जाती है, है ना। सोने के बाद बिल्कुल इतनी आवाज़ ख़त्म हो जाती है ना। कल तो मैंने चूज़ करा था कि पैदल जाऊँगा अपने आप से, बट आज पापा गाड़ी लेके चले गए और मेरे को पैदल ही जाना पड़ रहा है। चल कोई बात नहीं, पैदल जाना चाहिए, एटलीस्ट अपना एक प्रण तो पूरा हो रहा है। हाँ पढ़ाई का नहीं हो पा रहा क्योंकि पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आलस गेम और यूट्यूब की वजह से। यूट्यूब पे उतना वो नहीं करूँगा क्योंकि यूट्यूब में ज़्यादा देर तक करता नहीं हूँ, और एडिटिंग भी कितना टाइम ले लेता है, एडिटिंग भी आधे एक घंटे में हो जाता है पूरा का पूरा। यूट्यूब को उतना दूंगा नहीं मैं, बट मेनली मेरा आलस है जो है। तो अभी चलते हैं, तू लेके आते हैं अपना ही लाएंगे और किसका लाएंगे। सो आप लोग भी मेरे साथ चल रहे हो, लगभग 30-40 लोग तो जा ही रहे हैं दूध लेने, चलो चलते, दिक्कत क्या है ये। अभी मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि यार कभी बारिश आ सकती है, बादल देख ले उधर का साइड का देख लो, और मेरे को इसी चीज़ का डर लग रहा है क्योंकि हाथ में मोबाइल है और जेब में भी मोबाइल रहेगा तो कितना बच जाएगा, और अगर मोबाइल भीग गया तो बहुत बुरे हाल हो जाने, और वो मैंने चाहता नहीं हूँ। तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके, जितना तेज हो सके उतना तेज चलूँ, और ये सब मैंने कैमरा इसी चीज़ के लिए निकाला था कि तुम लोगों को बता दूँ कि मौसम आज कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। तो गाइस आज के व्लॉग को बस इतना ही रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल। आपको क्या करना है, आपको लाइक कर दबाना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लग गया, और अपना ध्यान रखना है। कोविड की सिचुएशन है तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, और हाँ तो समझिए वो लाल रंग का बटन दबाते हो जाना।